पार्षद योगेश उर्फ गुड्डू तिवारी इनका जन्मदिन आज बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर उनके दोस्तों द्वारा उनके आरोग्य एवं उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। इसके साथ ही हवन का भी आयोजन किया गया। इस दौरान दोस्तों कार्यकर्ताओं द्वारा योगेश उर्फ गुड्डू तिवारी इन्हें पुष्प गुच्छ देकर और केक खिलाकर जन्मदिन की बधाई दी गई। इस मौके पर संजय महाकालकर द्वारा अपनी प्रतिक्रिया साझा की गई, तो वहीं योगेश तिवारी द्वारा सभी का धन्यवाद अदा कर अभी तक जिस तरह से जनता की समस्याओं को हल किया है उसी प्रकार आगे भी कार्य करने का संकल्प लिया। आज आमचे मित्र योगेश तिवारी यांचा आज वाढदिवस आणि त्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्याकरता मी संजय महाकाळकर नगरसेवक माजी विरोधी पक्षनेता माझ्यातर्फे तसंच माझ्या प्रभागाच्या सर्व नागरिकांच्या वतीनं आज योगेश भैयाला मी खूप साऱ्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो। येणाऱ्या दिवसामध्ये ज्या प्रमाणात ते वर्षभर या संपूर्ण परिसरामध्ये जे काही उपक्रम राबवत असतात सातत्याने इथे येणारे सर्व नागरिकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी इथे ते या ऑफिसला त्या समस्या त्यांच्या सोडवण्याचे सुद्धा प्रयत्न करतात आणि या संपूर्ण प्रभागामध्ये एक चांगलं असं खेमीचं वातावरण त्यांच्या या स्वभावामुळे इथे निर्मित झालेलं आहे। आज इथे या वाढदिवसाला आलेले असंख्य लोक किंवा त्यांना जे शुभेच्छुक आहे त्याच्या वरनं आज गुड्डू भैयाचं आपलं या परिसरामध्ये आणि नागरिकांचं असलेलं प्रेम हे याच्यावरनं आपल्याला दिसून येईल। आजच्या ह्या दिवशी गुड्डू भैयाला पुन्हा मी माझ्यातर्फे वाढदिवसाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा। सबसे बड़ी बात तो जो मेरे चाहने वाले लोग हैं, मेरे प्रभाग के मेरे मित्र लोग, उनका मैं सबसे पहले धन्यवाद मानूंगा, उनका आभार मानूंगा कि इतने बड़ी संख्या में आके मुझे विश करते हैं। मेरी तरक्की के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिश की, भगवान के प्रति प्रार्थना की है। शिवनाथ गौरी में मेरे लिए हवन रखा गया हुआ है। मैं सबसे पहले इन सभी का आभार मानता हूँ और आने वाले दिनों में जो भी लोगों की समस्या हो मैं अपने तरफ से जितनी जल्दी चाहे हल करने की कोशिश करूं और लोगों का आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे इसे मैं प्रार्थना करता हूं। कैमरा पर्सन अमोल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।